आवाज आना चाहिए यार, खाना खाया बोले ऐसा आवाज दो कि लिमचरी तो हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। हे एवरीवन, तो अभी मेरे पास आ चुका है ऋषभ कुलदीप और अपन लोग जा रहे हैं कॉलेज के पास, जेपी वर्मा कॉलेज, क्योंकि मेरा कैंप है एनएसएस का 7 डे कैंप, और वहां पर बस आएगी। बस से वहां एनएसएस वाले जितने भी स्वयंसेवक और सेविकाएं हैं वो लोग भी जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने घर के पास हूँ, इधर थोड़े से अंदर में मेरा घर है और ये रोड है, यहाँ पर से हम लोग अभी निकलेंगे, आगे हरीश को लेंगे और हरीश और ये फिर मेरे को छोड़ने जाएंगे। तो चलो मिलते हैं। यही थोड़ा दूर में ही रोक ले। तो अभी हम लोग एनएसएस कक्ष में पहुंच चुके हैं। ये है हमारा रूपेश कुमार बन्नी, जो कि मेरा पार्टनर रहेगा समझो। पहले अनिमेश का था प्लान, लेकिन अनिमेश को कुछ कारण से जाते नहीं बन रहा है, तो ये दाढ़ी भाई मेरा भी चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना भाई का, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक। हाँ ये सही है। तो फिर मैं थोड़ा टी शर्ट बदल लूँ, फिर आपको मिलते हैं। और ये हम लोग का एनएसएस कक्ष, ये हमारा प्रदीप कोरम, एनएसएस का सीनियर आदमी, बहुत ज्यादा सीनियर आदमी है और बहुत ज्यादा रेपुटेटेड रेस्पेक्टेड आदमी है, सिंसियर, थोड़ा सा भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता, तो मेरे को इससे बच के रहना पड़ेगा। तो चलिए मैं टी शर्ट बदल के आता हूँ। क्या रामा, पकड़। सब लोग यहाँ पर एक लाइन में आगे बढ़ते हुए, कुछ लोग यहाँ पर है जो बैग वगैरह को लेके जाएंगे। हाँ आप लोग को चढ़ के दिखाता हूँ। बने बनाने लगे बनाने, चल ट्राई करूँ मैं। तो इंसानों की पैकिंग तो चल रही है उधर, उनके सामानों की भी चल रही है। अब कुछ खाना वाना बनाने के लिए या एनएसएस के कुछ और सामान जो है उसको हम लोग लेके जाएंगे इसमें पिकअप में, बुलेरो पिकअप। लिटरली बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी जब गए थे ना तो मैं जाना चाह रहा था पर कुछ कारणों से नहीं जा पाया था। इस बार देखते हैं कितना मज़ा आएगा। खैर मज़ा तो आएगा ही आएगा, बाकी मेमोरीज बन जाएगी। वैसे कॉलेज में लॉकडाउन वगैरह के नाम से कहीं घूमने उमने भी नहीं गया दोस्तों के साथ, तो कोई मेमोरीज अच्छी सी है नहीं, तो होप यही अच्छी एक मेमोरी बन जाएगी जो कि कॉलेज लाइफ में अच्छे से याद रहेगी। वैसे तो कॉलेज में सारा दिन मेमोरेबल रहता है, लेकिन ये ज़्यादा ही मेमोरेबल हो जाएगा। भारत माता की जय, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारे, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारे। आसिक इसी स्कूल में रुकेंगे ना? हाँ, इसी स्कूल में। तो इसी स्कूल में हम लोग रुकने जा रहे हैं। हमारे आसिक जो सबको लेके आए हैं, इनके बदौलत के कारण ही हम लोग यहाँ आ पाए हैं, बाकी इनका कुछ काम नहीं था, बस साथ ही में थे ये भी। तो आइए स्कूल को हम लोग आपको दिखाते हैं। यहाँ बच्चे ऑलरेडी खेल रहे हैं यहाँ पर सब। तो स्कूल तो आप लोगों को दिख ही गया है, हम लोग अभी ऊपर चढ़े हैं, मैं और विनय भाई सामान उतारने के लिए। आइए आप लोग को दिखाते हैं यहाँ बस ऊपर। और विनय भाई कैसा लग रहा है सामान उतार के? अच्छा, यहाँ पर चंदन भाई भी, चंदन नाम है ना भाई? हाँ चंदन भाई।
कैसे हो तो सारे यहाँ पर के स्कूल के बच्चे लोग देखे कितना बढ़िया प्यारे तरीके से गा रहे थे। और हम लोग वैसे तो पहुँच चुके हैं आपको, और आगे धीरे धीरे दिखाते जाएंगे। सब्जियाँ उधर कट रही है, गैस यहाँ लग रहा है, खाना यहाँ बनेगा। चल। अरे यहाँ थाली ब्रो, तेरा थाली दिखा। मोर थाली है भाई। खाना टाइम हो गया, अभी हाथ वाथ धोएंगे फिर खाना वगैरह खाएंगे। चल ना हाथ धो के आते हैं। यहाँ पर सब हाथ पैर थाली वगैरह धो रहे हैं। ले बोल। तो ले पहली तो हमन खा रहे हैं तो पीछे आ गए। कैसा लग रहा है सब्जी? बढ़िया बढ़िया। दीदी लोग मस्त बना खिलाए। हाँ थोड़ा सा नमक वाले। तू कैसे नहीं खा रहे? बड़ा दुख की बात है भाई, ये लोग मेरे को स्वामी जी की जगह अकेले खा रहे, मेरे लिए थाली नहीं है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप हर तुम्हें पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करो तु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर ज्योति नमोस्तुते। बोलो सरस्वती मैया की जय। आसीन हमारे अतिथिगण, आप सभी का सादर अभिनंदन, और हमारे सर के सिन्हा सर, मैडम रंजू गुप्ता जी, आप सभी का सादर अभिनंदन। हर साल की तरह दो साल COVID-19 के चक्कर में ये जो कार्यक्रम था वो डिले हो चुका था, इस वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया, और इस बार ये कार्यक्रम सर के प्रयास से होने जा रहा है। हमारा तो सहयोग है ही है, आप सभी का सहयोग ग्रामवासियों के साथ, आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलिए। आवाज आना चाहिए यार, खाना खाए हो नहीं? खाए सर। ऐसा आवाज दो कि लिमतरी तो हो जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये हुआ ना, देखिए आए हम दूर दूर से, है ना? तो दो चीज होता है, एक तो नाम होता है और एक जान होता है। तो हमको क्या करना है, क्या करना है? एक नंबर का काम नाम कमाना है ना। और जहां भी हम जाए तो आए थे हमारा जेपी से अच्छे थे, सबके मुंह से मैं ये सुनू, आप तो चले जाएंगे लेकिन मैं तो रहूंगा ना, तो सुनू ना। हम लोग आए थे तो एक नंबर काम कर। ये हर्ष का विषय है कि जरा विलंब भी सही, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया और तमाम वरिष्ठ प्राध्यापिका आदरणीय सुहरे मैडम, वन्ना तिवारी मैम, और पधार चुके हैं। बच्चों से अनुरोध है बेटा थोड़ा देर और बैठो फिर चले जाना। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का ये मंच 7 दिवसीय विशेष शिविर का पधारे हुए समस्त अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं प्राचार्य महोदया के स्वागत के लिए हसनैन रब्बानी जी को आमंत्रित करता हूं कि पुष्प गुच्छ से वो
प्राचार्य महोदय मैम का स्वागत करें। हसनैन रब्बानी, इसके पश्चात दल नायिका खान को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे तत्काल आए अविलंब, और आदरणीय शिवहर मैम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसके बाद आदरणीय वंदना तिवारी मैम हमारे बीच उपस्थित हैं, इनके स्वागत के लिए मैं दल नायक अजय बंजारे को तुरंत आमंत्रित करता हूं कि वे वंदना तिवारी मैम का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। आशीर्वचन देने के लिए मुझे कहा गया है, और तुम सब बहुत छोटे हो, और सच में तुम लोग का हक बनता है कि हम लोग से आशीर्वाद लो। हम चाहेंगे कि इस ग्रामीण परिवेश में हम अपनी प्रकृति से जुड़े, अपने श्रेष्ठ स्वास्थ्य को और अच्छे से स्वस्थ और निरोग बनावे, और अपने परिसर को साफ सुथरा और सबके साथ आपसी सामंजस्य बना करके आगे बढ़े। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर, और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ कि जो लोग आ पाए इस जो है कैंप के लिए, वो सब बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय जो है अपने जीवन के कुछ नए पड़ाव को जानने के लिए आपने दिया। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग यहाँ जो आए हैं वो एक संगठन के रूप में रहेंगे, और सारे लोग जो है आपस में भाईचारा के रूप में रहेंगे, ये चीज हमें सिखाता है NSS। तो तीन बार हमने शायद यहाँ पे कैंप किया है, और तीनों बार हमने कोई ना कोई स्थायी निर्माण किया है। अभी जब मंचस्थ अतिथिगण यहाँ भ्रमण करेंगे परिसर में, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि हमने क्या किया था। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने जब पहला कैंप किया था, आदरणीय प्रधान पाठक गण और शिक्षक गण यहाँ बैठे हैं, तो कुछ झार झंकार जंजाल बहुत ज्यादा था इस परिसर में, अगर शायद मैं सही कह रहा हूँ। तो हमारे बच्चों ने बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें खींची थी और काम किया था, और वो कॉर्नर पे जो अटल चौक जैसा कुछ बना हुआ है, वहाँ बहुत जंगल था, कुछ पेड़ भी था, चैत खंभ है शायद वो, तो वहाँ अटल चौक है। तो वहाँ पर सारे बच्चों ने, आप देख सकते हैं कि इतना काटा था कि आगे घुसना मुश्किल था। आग लगाने की बात हुई तो ऐसा लगा कि आग किसी कक्ष में ना लग जाए, लेकिन बच्चों ने साहस दिखाते हुए पूरा परिसर साफ किया। और आज जब हम आ रहे हैं 3 या 4 साल बाद, पिछली बार तो कैंप नहीं हुआ, तो हम हतप्रभ रह गए इस परिसर को देख के मैम, कि ऑलरेडी इतना स्वच्छ कि हम ये सोच रहे हैं हम करेंगे क्या यहाँ पे। ये प्रश्न, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी के इस आशीर्वचन और प्रोत्साहन जो मिला है, शुभकामनाएं मिली है, निश्चित रूप से हमारा जो प्रोग्राम है 7 दिवस जो कैंप है सफल होगा। जहां भी बड़ों का आशीर्वाद रहता है वह कार्यक्रम जरूर सफल होता है, ये मेरा अनुभव है। और ये चौथा कैंप है, और 3 कैंप बहुत अच्छे से हुआ, मैं आशा करती हूँ कि यह कैंप भी अच्छे से होगा। तो कुछ कुछ कार्यक्रम होने के बाद अभी फिलहाल चाय का टाइम है, चाय पी रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसको भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, तब तक जुड़े रहना मेरे साथ, और मिलते हैं फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के टाइम में। और पहले आपको मैं स्टेज दिखा देता हूँ जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है। ये है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ पर अभी कार्यक्रम होने वाले हैं। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, थोड़ा सा लाइटनिंग के नाम से क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। हे एवरीवन, तो ये था NSS के पहले दिन का जो जो चीज़ें हुआ वो सब चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसका, उस चीज़ को ऐड नहीं किए हैं। तो क्या क्या किया, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम लोग आपको दिखाएंगे इसके बाद वाले वीडियोस में। ये वाला वीडियो उद्घाटन के लिए था पूरा, तो उद्घाटन वगैरह हुआ, कैसे पहुँचे ये सब दिखा दिए। अगला पार्ट जो है थोड़ा मज़ेदार रहेगा, थोड़े कार्यक्रम वगैरह आएंगे, कुछ और चटपटा टाइप का। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।